सरकार भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर नकेल कसने के दावे करती है, लेकिन धरातल पर अधिकारी और कर्मचारी अभी भी बेलगाम घूम रहे हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र का है, जहां विजिलेंस की टीम ने पटवारी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी खरका गांव क्षेत्र का पटवारी था और उसने रिकॉर्ड देने की एवज में 2500 की रिश्वत मांगी थी, जिसे विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक खरका निवासी सतविंदर सिंह ने कुरुक्षेत्र के कार्यालय में शिकायत देकर बताया कि वह बैंक से लोन लेना चाहता था। लोन लेने के लिए उसे अपनी जमीन की गिरदावरी और 30 साल का रिकॉर्ड चाहिए था। इसके लिए जब वह पटवारी गुरदास सिंह के कार्यालय में गया तो वे रिश्वत की मांग करने लगे। सतविंदर सिंह की शिकायत पर विजिलेंस ने जाल बिछाया। टीम ने सतविंदर सिंह को रंग लगे 2500 के नोट देकर पटवारी के पास भेजा। सतविंदर सिंह ने जैसे ही रंग लगे नोट पटवारी गुरदास को दिए तो उसी समय विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रिश्वत की राशि सहित दबोच लिया। 2500 रुपए किसकी शिकायत पर थी और क्या शिकायत थी सर? बलजिंदर सिंह है खरका से, उसपाल का पटवारी है, उसके लिए उसने लोन करवाना था बैंक से। तो किस अवज में रिश्वत मांगी गई थी सर? किस अवज में रिश्वत मांगी गई थी? ये इसने चैन बनवानी बैंक से लोन करवाना था, उसकी चैन होती है 30 साल के रिकॉर्ड के लिए, गिरदावरी और जमीन की जानकारी के मुताबिक पटवारी गुरदास सिंह कुछ समय पहले ही गुहला तहसील से रिटायर हो चुका था और अब डीसी रेट पर कार्य कर रहा था। आरोपी पटवारी के पास गांव खरका के अलावा पीटल, अरनोली और रताखेड़ा का चार्ज भी बताया जा रहा है। गुहला चिका से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।